आज मैं कक्षा पांचवी को उनके पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का नौवा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ नौ। इस पाठ का शीर्षक है एक माँ की बेबसी। ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता है। एक माँ की बेबसी मन को छू लेने वाली एक कविता है। कविता पाठकों को यानी पढ़ने वालों को किस तरह से प्रभावित करती है, ये तो पाठक के अनुभव पर निर्भर करता है, उसकी फीलिंग्स उसके अनुभवों पर निर्भर करता है। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। उसका नाम है रतन। गली मोहल्ले के बच्चे के लिए यानी गली मोहल्ले के दूसरे बच्चों के लिए वह अजूबा है, सबसे अलग है, क्योंकि वो उन लोगों की तरह बोल नहीं सकता। बातचीत के जरिए दरअसल हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। बिना बातचीत के दूसरों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल तो है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि संवाद ना होने से वह एक दूसरा तरीका अपनाता है। हम जानते हैं कि संवाद ना होने से वह दूसरा यानी दूसरा आदमी हमारे लिए अनजाना ही बना रह जाता है, पर मौखिक बातचीत के अलावा भी एक दूसरा तरीका है इंसान के अनुभवों को जानने का। वो है दूसरों के भावों को समझना, इशारों के माध्यम से समझना। ठीक है, यानी के जो बातचीत नहीं कर सकते मौखिक रूप से, उनके भावों को भी समझने के कई तरीके हैं। अगर हम चाहे तो उन तरीकों को अपना सकते हैं और ऐसे अपाहिज बच्चों को जो या तो देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते या चल नहीं सकते, ऐसे विकलांग बच्चों को हम अपने जैसा ही समझ सकते हैं और उनको भी ये अनुभव या एहसास दिला सकते हैं कि उनमें कोई कमी नहीं है। वो लोग भी हमारी ही तरह इंसान हैं और हमारे बीच आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें उदार मन वाला बनना पड़ेगा और उनके भावों को, अभिव्यक्ति को समझने के लिए एक अच्छा और नेक दिल होना पड़ेगा और साथ ही खुद भी थोड़े सेंसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, संवेदनशील बनना पड़ेगा। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र बनता है, बचपन के खास समय का चित्र बनता है जब खेल और साथी हमारे साथ हुआ करते थे। उन साथियों में एक खास साथी रतन का चित्र भी आपको नजर आएगा और एक माँ का चित्र। इस कविता को पढ़ो और महसूस करो। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही गई उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों को, हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कुंवर नारायण ने यहाँ कविता के माध्यम से रतन से भी ज्यादा रतन के माँ की बेबसी को उजागर किया है,
कि रतन तो बेबस था ही क्योंकि वो गूंगा था, पर रतन की माँ उससे भी ज्यादा बेबस थी क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने बच्चे के गूंगेपन को ठीक नहीं कर सकती थी और ना ही उसको मदद कर पा रही थी किसी काम में। इसीलिए वो हमेशा रतन के साथ साथ रहती थी ताकि उसे अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो कोई असुविधा ना हो और दूसरे कोई भी उसको कोई क्षति ना पहुंचा पाए, हानि ना पहुंचा पाए। और साथ ही दूसरे अगर रतन से कुछ कहना चाहे तो माँ उसे समझा सके। तो न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। यानी लेखक जब खेलने की उम्र में थे, वो अपने पड़ोस में जब खेलते थे, पता नहीं कौन से पड़ोस से ये रतन आ जाता था, कहां से अदृश्य एक पड़ोस से आता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। यानी वो एक ऐसा खिलौना था, हम उससे खेलते नहीं थे ज्यादा। वो जैसे ही हम लोग किसी खिलौने के टूट जाने पर उसे त्याग देते हैं, उससे ज्यादा फिर नहीं खेलते और नए खिलौने, साबुत खिलौनों से खेलते हैं। उसी तरह रतन भी गूंगा था, इसीलिए हम उनके साथ ज्यादा खेलते नहीं थे। वो एक टूटे खिलौने की तरह पड़ा रहता था। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वो भी एक बच्चा, बिल्कुल हम बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह लगता था, लेकिन हम बच्चों के लिए वो अजूबा था क्योंकि वो हमसे भिन्न था, अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। वो गूंगा था या इसीलिए वो हम लोगों से भिन्न था, अलग था, अजूबा था, और हम लोग थोड़ा घबराते थे उससे क्योंकि हम उसकी इशारों को, उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे। वो थोड़ी थोड़ी बातों पर घबरा जाता था और हम उसे देखकर घबराते थे। ना उसके इशारों से कही गई बातों को समझ पाते थे, ना ही उसकी भयभीत आंखों को समझ पाते थे, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की छटपटाहटों को। यानी उसकी भयभीत आंखों में हमेशा दिखती थी कि वो अंदर से कितना छटपटा रहा है, पर हम उस समय समझ नहीं पाते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। वो जितनी देर बैठा रहता था, उसके पास में उसकी माँ बैठी रहती थी और उसका खेलना देखती रहती थी, क्योंकि वो चाहे अजूबा हो पर वो अपनी माँ के लिए तो उसका लाल था ना, उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था। इसलिए बेटा चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, विकलांग क्यों ना हो, माँ के लिए उसके बेटे का प्यार कभी कम नहीं होता। वो हमेशा अपने बच्चे के पास बैठी रहती थी ताकि बच्चे को कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, यानी अब मैं धीरे धीरे गूंगे लोगों की भाषा जैसे जैसे मैं समझने लगा हूं, जो लोग बोल नहीं पाते उनकी भाषाओं को, उनके संकेतों को, इशारों को जैसे जैसे मैं समझने लगा हूं, अब मुझे याद आती है रतन की बातें, और रतन से भी ज्यादा मुझे याद आती है रतन की माँ की आंखें, जो रतन से भी ज्यादा बेबस थी। रतन की माँ की आंखों में उसकी बेबसी झलकती थी और वो बेबसी, वो आंखें आज भी मुझे याद आती है। मुझे रतन से भी ज्यादा रतन की माँ की बेबसी की याद आती है। ठीक है, तो ये कविता थोड़ी दर्दनाक है, थोड़ी करुण है, दुख देने वाली है और हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाली है। कविता दरअसल धीरे धीरे पढ़ने की चीज होती है, उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी हुई कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इस कविता को, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बरसों पहले पढ़ी कविताओं को हम भूल जाते हैं। तो कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। अगर वो कविता अच्छी है तो हमें, हमारे मन को जरूर छू जाएगी। किसी मौके पर वह उभर आती है, कभी किसी मौके पर हम कविता की दो चार लाइनें, दो चार पंक्तियां बोल देते हैं,
कविता, कहानी सबके साथ ये होता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर हमें समझने में तकलीफ हो रही है तो हमें कविताओं को एक बार नहीं बल्कि दो बार, तीन बार दोहराना चाहिए और अपने बड़ों की भी मदद लेनी चाहिए उसे समझने में, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की मदद लेनी चाहिए। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। यानी कविता को पढ़कर अगर उसका एक चित्रण आपके आंखों के सामने उभर